वाइल्ड कार्ड की एंट्रीज के बाद स्प्लिट्स विला में क्या कुछ ड्रामा होगा? क्या कशिश और आकाश लीना बनेंगे आइडल मैच? दोस्तों आप देख रहे हैं क्रिस क्रॉस इंडिया। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों स्प्लिट्स विला में हम देख रहे हैं किस तरह से तारा की एंट्री के बाद जिस तरह से वो साक्षी से मिले हैं, इतना तो क्लियर हो गया है कि पास्ट में भी तारा और साक्षी का कोई रिलेशन रह चुका है और तारा को अभी भी साक्षी के लिए फीलिंग है। विला में जाने के बाद तारा साक्षी से पूछते हैं कि क्या वो उन्हें चांस देंगी और क्या पेयर अप करेंगी। वहीं साक्षी इतनी जल्दी ये रेसिस्ट नहीं कर पा रही हैं, उन्हें टाइम लगेगा क्योंकि अभी वो जस्टिन के साथ कनेक्शन में है। वो तारा को बोलती हैं ऐसा कुछ वो अभी नहीं करना चाहेंगी कि वो कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती जिससे जस्टिन अनकंफर्टेबल सिचुएशन में पहुंच जाए। वहीं ये भी देखा जा रहा है कि विला में पहुंचने के बाद जस्टिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है जिस तरह से वो तारा को देख रहे हैं साक्षी को अप्रोच करते हुए। इसके बाद तारा और जस्टिन की लड़ाई भी होती है और इनका झगड़ा बहुत ज्यादा इंटेंस भी हो जाता है। आगे के एपिसोड में साक्षी को ये डिसाइड करना ही पड़ेगा कि वो जस्टिन के साथ आगे बढ़ेंगी या फिर तारा के साथ। इसके अलावा दोस्तों वाइल्ड कार्ड जो कि तीनों वाइल्ड कार्ड हैं, इनके पास स्पेशल पावर होगी और अगर तारा के पास सेव करने की पावर है तो वो साक्षी को सेव करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा ये भी वाइल्ड कार्ड जो दो बाकी हैं वो भी ये पावर रखते हैं और वो भी किसी को सेव कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी देखा जाएगा कि सनी लियोनी मूव्स पर भड़क जाएंगे क्योंकि सनी को इंटरप्शन बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। इसके अलावा इस सीजन में ये देखा जा रहा है कि होस्ट बहुत बार भड़क जा रहे हैं क्योंकि इस बार के जो कॉन्टेस्टेंट्स हैं वो अपने को कॉन्टेस्टेंट्स के सामने ओपिनियन तो रखते ही हैं लेकिन होस्ट के सामने भी अपने स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखने से नहीं हिचकिचाते जिसकी वजह से होस्ट भड़क जा रहे हैं और ये क्लैश देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों ये देखने को मिलेगा कि डोम सेशन में ट्विस्ट आएगा और कशिश ठाकुर महक के साथ नहीं बल्कि आकाश लीना के साथ ओरेकल के सामने जाएंगे और ये शायद पानीपुरी वाला जो टास्क हुआ था उसके बेस पर चेंजेस होंगे जिसकी वजह से आकाश लीना और कशिश को अगर पावर मिलती है तो वो साक्षी त्रिवेदी को एलिमिनेट करेंगे। वहीं आकाश लीना आराधना को भी निकालना चाहेगी लेकिन आराधना ट्विस्ट वजह से बच जाएगी और क्योंकि शिवम आराधना के कनेक्शन है तो वो भी सेफ जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर कशिश और आकाश लीना आइडल मैच बन जाते हैं तो फिर कशिश को बहुत बुरा लगने वाला है और वो रोते हुए भी नजर आए क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर आगे चलकर उन्हें महक के साथ कनेक्शन तोड़ना पड़ेगा। वहीं दोस्तों हमें ये भी देखने को मिलेगा कि हामिद वर्सेस कशिश ठाकुर होगा और कशिश जीत जाएंगे जिस वजह से उन्हें ओरेकल के सामने जाने का मौका मिलेगा। वहीं कुछ एपिसोड के बाद आपको देखने को मिलेगी जोशुआ की रीएंट्री और तब तक कशिश रत्नानी और हनी का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ये सब देखकर जोशुआ को बहुत ज्यादा हर्ट होगा। वहीं कशिश को भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ेगा और फिर उन्हें चूज करना पड़ेगा जोशुआ या हनी। अब देखना होगा क्या कुछ होगा जब जोशुआ आएंगे, क्या कशिश हनी के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाएगी या कर देंगी ब्रेक। आपको इस बारे में क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल क्रिस क्रॉस इंडिया को।